वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक है मोहम्मद बिलाल यूएई से। इन्होंने लिखा है कि सर, मैं जब भी टॉयलेट जाता हूं तो वहां से ब्लड निकलता है मुझे टॉयलेट के साथ, जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिलाल साहब, ये आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है जिसको बबासीर कहते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसका बड़ा अच्छा उपाय है हमारे पास जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और पहले ही दिन से आपको रिलीफ मिलने लगेगा। उपाय सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन है बहुत कारगर। तो आपको क्या करना है, नारियल लेना है, नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं ब्राउन ब्राउन से, नारियल के बाल जिसको कहते हैं, उसको लेके जला लेना है, उसकी भस्म बना लेनी है। और वो भस्म 3-3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम का मतलब समझ लीजिए लगभग 1/4 चम्मच के करीब होगा, ये 1 ग्लास छाछ के साथ दिन में 3 बार लेनी है और पहले दिन से ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। जो छाछ है ये बबासीर में बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत कारगर है। छाछ क्या करना है आपको, 50 ग्राम के लगभग दही ले लें और उसमें 1/2 लीटर पानी डाल के ब्लेंड कर लेना है, जो बटर मिल्क जिसको कहते हैं वो छाछ होती है। अच्छा, अब आपका बबासीर या पाइल्स या जो ब्लड आ रहा है ये जब ठीक हो जाए तो ये दोबारा ना उठे, ये छाले हो जाते हैं आपके गुदा द्वार पे, ये छाले दोबारा ना हो, सूख जाए, तो उसके लिए क्या करना है वो उपाय भी मैं बता देता हूँ। छाछ ले लेनी है आपको, 1 ग्लास छाछ लेनी है, उसमें 1/4 चम्मच अजवाइन, कैरम सीड, 1/4 चम्मच अजवाइन मिलाना है और सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, सेंधा नमक स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिला लें और इसका सेवन आपको करना है 2 बार दिन में, इसका सेवन करना है आपको। इससे क्या होगा कि इससे जो पाइल्स हो चुका है ना वो रीअकर नहीं होगा। कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो दवाइयां लेने से ठीक तो हो जाता है और कुछ समय बाद वापस से शुरू हो जाता है। अगर ये प्रयोग आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको पाइल्स दोबारा नहीं होगा। इसके अलावा एक उपाय और बता देता हूं मैं आपको, 2 अंजीर ले लें, सूखी अंजीर, और रात में 2 अंजीर लेके उसको पानी में भिगो के रख दें और सुबह खाली पेट उसको खूब चबा चबा कर आपको खाना है और खूब चबा चबा कर खाने के बाद ऊपर से पानी पी लें। अंजीर लेने के 1 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है और 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। ये भी जो है अंजीर का जो सेवन है ये 2 टाइम करना है आपको। शाम को जो आपने भिगोई अंजीर वो आपको सुबह चबा चबा कर खा लेना है और सुबह 2 अंजीर और पानी में भिगो के रख दें जिसको आपको शाम को खा लेना है। तो ये करने से भी 7-8 दिन में जो आपको ये पाइल्स की प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर पाइल्स बहुत उग्र अवस्था में हो, जिसमें आपको काफी ब्लड आता है, काफी पेन होता है, लोग बैठ भी नहीं पाते हैं, तो ये जो छाछ मैंने बताई है अजवाइन और सेंधा नमक के साथ वाली छाछ, उसके साथ प्याज का भी प्रयोग करें आप। 1/2 प्याज ले लें आप और प्याज छाछ के साथ, प्याज चबाते जाएं और साथ में छाछ खाएं, तो इससे काफी आराम आता है। और ये बवासीर जब उग्र अवस्था में होता है, जब ये बहुत ज्यादा, जिसमें आपको बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, आप टॉयलेट जाते हैं तो काफी ब्लीडिंग होती है, उस दौरान आपको क्या करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। आप दही चावल ले सकते हैं, दही चावल बड़ा अच्छा काम करता है, दही चावल ले लें, नहीं तो मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी हल्का भोजन जो होता है वो खाएं। देसी घी का इस्तेमाल करें आप, मूंग की दाल की खिचड़ी लें, उसमें थोड़ा देसी घी मिला लें, गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, ये मिलाकर अगर आप खाएं तो उसमें बहुत आराम मिलता है। एक उपाय और है, बहुत अच्छा उपाय है, ये भी काफी इफेक्टिव है, मूली ले लें आप, रेडिश जिसको कहते हैं, मूली का जूस ले लें, 50 ग्राम मूली का जूस, और खाने के साथ में मूली के जो पत्ते होते हैं, ऊपर मूली के पत्ते होते हैं, वो पत्ते भी अच्छे से धो लें आप उसको और वो पत्ते चबा चबा कर खा लें, ये बवासीर में बहुत ज्यादा फायदा करता है। और लंच टाइम पे एक चीज का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पके हुए पपीते का सेवन करें। पके हुए पपीते का अगर आप सेवन करते हैं तो जो आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है वो एकदम दूर हो जाएगी। तो जो उपाय मैंने बताए एक बार आपको बता दूं, नारियल की भस्म, नारियल के जो बाल होते हैं उसकी भस्म छाछ के साथ लेनी है, छाछ आपको रेगुलर लेनी है, चाहे आप उसमें अजवाइन और सेंधा नमक मिलाकर ले लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो छाछ आपको लंच के साथ भी, डिनर के साथ भी, दोनों टाइम आप छाछ का प्रयोग करें अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये आपको पाइल्स से बहुत ज्यादा रिलीफ देगी। पके पपीते का इस्तेमाल कर लें, मूली के पत्तों का इस्तेमाल कर लें, मूली का जूस ले लें, ये सारी चीजें पाइल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो बवासीर, चाहे आपको ब्लीडिंग वाला हो रहा हो चाहे नॉर्मल हो रहा, दोनों तरह के बवासीर में आप मूली का और मूली के पत्तों का सेवन जरूर करें और लंच टाइम में मूली का जूस निकाल लें आप और 50 ml जूस आप मूली का जूस पी लें लंच के साथ में, तो ये जो आपको पाइल्स है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो थे ना बिल्कुल आसान उपाय, आपके घर में ही उपलब्ध।
हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और मुझे ब्लड भी आता है जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। कोई एकदम आसान सा उपाय बताइए, क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल आसान उपाय आपको मैं बताता हूँ। इसका आप सेवन करेंगे तो आपको जो ये खूनी बवासीर कहते हैं, जिसको ब्लीडिंग पाइल्स ने आपने लिखा है, इसमें आराम आ जाएगा। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि फाइबर वाला खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना, जैसे संतरा है, संतरे का आप सेवन करें तो उसके सिर्फ बीज बस थूकें आप, बाकी सारा का सारा आपको निगल जाना है, उसका फाइबर पूरा आपको लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर वाला आप खाना खाएंगे आपको ब्लीडिंग पाइल्स में उतना ज़्यादा आराम आएगा। पानी ढेर सारा पिएं, पानी पीने में कंजूसी ना करें, 3 लीटर पानी पिएं। अब मैं रेमेडी बताता हूँ, एकदम आसान रेमेडी है। आपको क्या करना है, गाय का दूध ले लें आप और गाय के दूध का दही जमा लें, ये आप समझिए आधा लीटर दूध का दही जमा लें और सुबह इसी दही को फेंट कर इसमें पानी मिलाकर छाछ बना लें। ये जो छाछ तैयार हो जाएगी, गाय के दूध की छाछ, इस छाछ के एक ग्लास में आपको 1 चम्मच आंवले का पाउडर मिला लेना है और ये मिलाकर अच्छी तरह से घोल लेना है और इसका आप सेवन करें। आप देखेंगे कि ब्लीडिंग पाइल्स में आपको बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डीप फ्राइड फूड आपको तब तक नहीं खाना है जब तक आपको ये ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो भी ये ब्लीडिंग पाइल्स में काफ़ी नुकसानदायक होती है। किसी भी तरह की मिर्च या मिर्च से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है, अचार, खटाई, इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जो भी खाना पित्त बढ़ाते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के जो खाने होते हैं, जैसे रेड मीट है, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। जहाँ तक हो सके, जब तक आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, नॉनवेज का प्रयोग ना करें आप, क्योंकि नॉनवेज के प्रयोग से भी पाइल्स की प्रॉब्लम में थोड़ा सा इजाफा ही होता है, क्योंकि नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूसेस निकलते हैं, लीवर जो जूसेस छोड़ता है, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और वो काफ़ी एसिडिक होते हैं, और जितने एसिडिक जूस निकलेंगे वो पाइल्स की प्रॉब्लम को उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो जितनी ठंडा करने वाली चीज़ें हैं उनका सेवन करें आप, फ्रेश फ्रूट का सेवन करें आप, अंगूर का सेवन कर सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं, एप्पल खाएं, रोज सुबह 1 एप्पल खाएं, उससे भी आपको आराम आएगा। संतरे का अगर सीजन चल रहा हो तो संतरे का सेवन करें, लेकिन फाइबर के साथ करें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको आराम आ जाएगा। पिछले दिनों मैंने एक एपिसोड किया था हेमराइड्स यानी कि पाइल्स के ऊपर, और उस एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्मूदी बनाना आपको सिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ आएगा। ये जो स्मूदी है ये सिर्फ पाइल्स वालों के लिए नहीं है, जिनका भी डाइजेशन खराब रहता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें ढेर सारा फाइबर है, तो आपको ढेर सारा फाइबर मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी स्मूदी। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कप आलमंड मिल्क। बादाम का दूध कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। 15 बादाम को रात भर भिगो कर रखिए आप, सुबह उसका छिलका उतार दीजिए और उसको 2 कप पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और आपका बादाम का दूध तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं पालक का। पालक को हमने ब्लांच कर लिया है, यानी कि उबलते पानी में थोड़ी देर के लिए डाला है और उसके बाद उसको निकाल लिया है, तो ये लगभग आधा कप हम इसमें पालक का इस्तेमाल करेंगे। 1 पके हुए केले का इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम इसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर, 1 चम्मच इसबगोल, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी, और थोड़ा सा आधा इंच का टुकड़ा हम अदरक का डालेंगे इसमें, और साथ ही 2 बड़े चम्मच शहद का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी स्मूदी। सबसे पहले एक ब्लेंडर लेते हैं, इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच फ्लैक्स सीड और साथ में डाल देंगे ये आधा कप ब्लांच की हुई पालक, 1 टीस्पून इसबगोल, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 बड़े चम्मच शहद, 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर, 1 पका हुआ केला, 2 कप आलमंड मिल्क, और थोड़ा सा आधा इंच का टुकड़ा हम अदरक का डालेंगे इसमें, और बस इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। तो ये हमारी स्मूदी तैयार हो गई। चलिए इसको एक ग्लास में खाली कर लेते हैं। आप इसको बना लें और नाश्ते के साथ इसको अगर आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा फायदा होगा।
हमारे एक दर्शक हैं मंजू, इन्होंने बोला है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, पाइल्स में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी मैं बताता हूँ, और उसका इलाज कैसे करना है नेचुरोपैथिक तरीके से वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाइल्स होने पर क्या खाएं आप? देखिए, मॉर्निंग में जो आपका नाश्ता होता है, पाइल्स में सबसे ज़्यादा गड़बड़ हम वहीं कर देते हैं। लोग ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं या ब्रेड बटर खा लेते हैं, वो नहीं करना है आपको। कोई भी पैकेट वाली चीज़ें नहीं खाना है, और ख़ास तौर पे जिसमें मैदा है उसका तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। उसकी जगह आपको क्या खाना है? देखिए, पपाया ले लें आप और केला ले लें। पेट भर के आपने अगर पपैया और केले का सेवन किया तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ मिलता है। ये तो हो गया आपका नाश्ते का। लंच के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। लंच के दौरान क्यूक्यूम्बर, जिसको ककड़ी कहते हैं, इसका सेवन करना बहुत लाभदायक होता है पाइल्स में। प्याज का सेवन करना अच्छा होता है। टमाटर आप खा सकते हैं, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स जिसमें हाई फाइबर है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए पाइल्स में बहुत लाभदायक होता है। और नुकसानदायक क्या होता है? ये जितने भी अचार हैं आपके, पापड़ हैं, जो भी चीज़ चुभने वाली है, चिप्स वगैरह जितने हैं, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। ज़्यादा स्पाइसी खाना भी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, तो स्पाइसी ना खाएं। पहले आप ढेर सारा सैलड खा लें और उसके बाद होम कुक्ड फूड खा लें तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अच्छा, अब लंच और डिनर के बीच में काफ़ी गैप होता है, और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उस दौरान क्या खाना है? लोग जनरली, मैंने ऐसा देखा है कि चाय ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं या कुछ नमकीन ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है आपको, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप स्प्राउट्स का सेवन करें, अंकुरित अनाज ले लें, कोई भी अंकुरित अनाज, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, जीरा पाउडर वगैरह डाल के उसको टेस्टी सा बना के, उसमें थोड़ी सी प्याज बारीक काट के आप डाल दें, और इसको खूब चबा चबा के खाना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपको एक बाइट अगर लेनी है तो एक बाइट को आप कोशिश करें कि 32 बार चबाएं। अगर हमें 32 दांत दिए हैं भगवान ने, तो 32 बार अगर आप चबाने लगेंगे तो सलाइवा बहुत ज़्यादा मिलेगा आपके खाने में, और अगर सलाइवा आपका खाने में प्रॉपर मिलता रहा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा सही ढंग से काम करेगा, और फिर ये पाइल्स की प्रॉब्लम बिना किसी दवाई के ही ठीक हो जाती है। तो लंच और डिनर के बीच में स्प्राउट्स खा लेना है। अब आती है बात डिनर में क्या खाएं और क्या ना खाएं। पहले तो कुछ चीज़ें जो बहुत पॉपुलर है वो आपको नहीं खानी है, जैसे पाव भाजी है। इसमें पाव क्या है, सिर्फ मैदा जा रही है, ये आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को बिगाड़ेगा। पिज्ज़ा है, वो भी आप चीज़ और वो टेस्टी समझ के खा लेते हैं, लेकिन वो प्योर मैदा आपके अंदर जा रही है और ये आपके पाइल्स की प्रॉब्लम को बिगाड़ेगा। पास्ता बड़ा अच्छा खूबसूरत सा दिखा के लोग देते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ मैदा ले रहे हैं आप। और इन बातों में आप बिल्कुल ना पड़े कि ये ब्राउन ब्रेड है या ये सूजी से बना हुआ पास्ता है। 1-2% मैक्सिमम 10% जो चीज़ें बताई जाती हैं वो डाली जाती हैं, बाकी 90% मैदा ही होता है। तो जब तक आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। अब बारी आ जाती है कि डिनर के टाइम पे आपको क्या खाना है। देखिए, डिनर के टाइम पे सबसे पहले आपको एक प्लेट भर के सैलेड खा लेना है। आपका आधा पेट सिर्फ सैलेड से भर जाना चाहिए, और उसके बाद ही आप होम कुक्ड डिनर करें। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ। आधा चम्मच हल्दी लेनी है और उसको आधा चम्मच ही घी में सुबह ही मिक्स करके रख देना है आपको, और शाम को 2 चम्मच सेसमी सीड जो होते हैं, तिल जिसको कहते हैं, उसका पाउडर बना लेना है। ये 2 चम्मच पाउडर आपको 1 गिलास दूध में घोल लेना है, और उसमें ये जो हल्दी वाला हमने मिक्सचर तैयार किया है ये भी डाल देना है, और सोते वक्त आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि पाइल्स में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गई पाइल्स के लिए डाइट। अब रेमेडीज़, ऐसी रेमेडीज़ जो बिना किसी दवाई के आपके पाइल्स की, हेमराइड्स की, फिशर की सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, वो क्या इस्तेमाल करना है ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे पाइल्स के बारे में, तो मैंने आपको खाना पीना तो बता दिया था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन अब कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनकी मदद से बिना किसी दवाई के आप पाइल्स को, हेमराइड्स को या फिशर को ठीक कर सकते हैं।
ये मैं बताऊंगा आज के एपिसोड में। ठीक है, पाइल्स जब भी आपको हो तो दो तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। कई बार पाइल्स जब होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एक्टिवेट कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन, जो आपने देखा होगा आपके घर में जो वाटर प्यूरीफायर लगे हुए हैं उसमें कैंडल होती है कार्बन की, वो कार्बन की कैंडल यही काम करती है कि जो भी बैक्टीरिया है उसको बाहर निकाल देती है। तो घर पे ही एक्टिवेटेड कार्बन हम बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां टैबलेट्स बना के बेच रही हैं इसकी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ घर पे ही कैसे बनाना है एक्टिवेटेड कार्बन। नारियल ले लेना है आपको, नारियल के बाहर जो जटा लगी रहती है वो जटा निकाल लेनी है आपको, सूखे हुए नारियल की जो जटा होती है, और उसको जला लेना है। जैसे ही आप जलाएंगे तो वो राख जैसी बन जाएगी, काली काली राख। ये राख आपको इकट्ठी कर लेनी है, ये बहुत हेल्पफुल होती है, ये एक्टिवेटेड कार्बन का काम करती है। इसके साथ में एक काम आपको और कर लेना है, अनार का अगर सीज़न हो तो अनार के छिलके को छाया में सुखा लेना है, और सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लेना है। तो अब आपको क्या करना है, 1/4 चम्मच ये नारियल की जटा की जो राख है हमारा, जो एक्टिवेटेड कार्बन हमने क्रिएट किया है, वो कार्बन ले लेना है, और 1 चम्मच के लगभग आपको ले लेना है अनार के छिलके का पाउडर, और इसको छाछ जो होती है बटर मिल्क उसमें मिक्स करके घोल के इसका आपको सेवन करना है। आप देखेंगे कि पाइल्स में आपको बहुत जल्दी बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर अनार का सीज़न नहीं हो तो खाली आप जो ये हमने एक्टिवेटेड कार्बन बनाया है इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लाभदायक रहता है। इसके अलावा एक दूसरी जो रेमेडी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए पाइल्स के दौरान, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, पानी बहुत सारा पीना है, कम से कम 3 लीटर पानी पिए। कम पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के कारण आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तीसरी रेमेडी मैं जो बताऊंगा वो है कि अगर आपको सीवियर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू है और पाइल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आपको क्या करना है, रात को सोते वक्त इसबगोल जो है 2 चम्मच दूध में घोल लेनी है, और उसमें 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल ये मिला देना है, और इसको मिलाकर इसका आपको सेवन करना है। लोकल एप्लीकेशन के तौर पे आप क्या कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है, और इसमें 1 कली लहसुन की एकदम कुचल कर डाल देनी है, एकदम बारीक करके महीन करके डाल देनी है। उसके बाद ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसको आपको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद आप देखेंगे कि ये जम जाएगा, नारियल का तेल जम जाता है। तो जब ये मिक्सचर जम गया है तो इसको आपको एक कैप्सूल जैसे फॉर्म में ले लेना है, और इसको डीप फ्रीज़र में रख देना है 1 घंटे के लिए। जब डीप फ्रीज़र में आप रख देंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जम जाएगा। उसके बाद जैसे इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं उस तरह से स्क्वाट करके बैठ जाना है, और ये कैप्सूल उठा के अपने एनल रीजन में आपको इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होगा आपको, अगर ये बर्निंग सेंसेशन 20 मिनट तक होता है तो ये रेमेडी आपके लिए परफेक्ट है। 20 मिनट से अगर ज़्यादा आपको बर्निंग सेंसेशन होता है तो ये रेमेडी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 20 मिनट तक ये बर्निंग सेंसेशन आपको होता है, बहुत हल्का हल्का सा होता है, कुछ लोगों को सीवियर भी हो सकता है, लेकिन 5 दिन तक सिर्फ आप इस प्रयोग को करेंगे और जो बाकी की रेमेडीज़ मैंने बताई हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 5 दिनों में बिना किसी सर्जरी के बिना किसी मेडिसिन के आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9082130828 ये मेरा नंबर है। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएँ और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। धन्यवाद।